आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एलोवेरा के पौधे की हम लोग केयर कर सकते हैं, कैसे उसको अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। देखिए, मेरे पास एक गमले में एलोवेरा के पौधे रखे हुए हैं। अब आप ही इनको निकालेंगे, फिर इसमें देख सकते हैं कि दो एलोवेरा के प्लांट्स हैं, छोटे छोटे दो प्लांट हैं। और इसको अगर हम अलग जगह में नहीं रखेंगे तो ये ग्रो प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, तो इसलिए इसको हम पहले निकालेंगे। निकालने के बाद इसको फिर दूसरे गमले में इसको फिर से लगाएंगे, जिससे कि आपकी एलोवेरा के पौधे अच्छी तरह से ग्रो कर पाए, अच्छी तरह से बढ़ पाए और इसकी पत्ते बड़े बड़े चौड़े चौड़े हो जाएं और आप इसको फिर बाद में इसका यूज कर सकें, देखने में भी अच्छी लगेंगे। देखिए, एलोवेरा ऐसा प्लांट है जिसमें कम से कम पानी की जरूरत होती है। इसमें पानी ज़्यादा देने से पौधे सूख जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो इसमें हम कम पानी देंगे और इसको हम अच्छी तरह से उगाएंगे। तो पहले हम पुराने जो एलोवेरा पौधे हैं इसको हम निकालते हैं बाहर। देखिए, इसकी मिट्टी काफ़ी जम गई है, इसके पत्ते बहुत सर्कुलेंट होते हैं, देखिएगा निकालते समय टूट ना जाए, इस पर ध्यान रखिए। खुरपी की मदद से हम इसको निकाल रहे हैं। देखिए, ये हमारे पौधे बाहर निकल गए। अभी गमले को खाली करेंगे, थोड़ा उसमें से मट्टी और है उसको निकाल देंगे। गमले को खाली करना जरूरी है क्योंकि समय पर ये जो है गमले जो के नीचे की मिट्टी एकदम जम जाती है, तो उसमें फिर पौधे की ग्रोथ वो खराब हो जाती है, फिर बढ़ नहीं पाते। तो गमले की मिट्टी को पूरी तरह से निकालेंगे। गमले के नीचे एक जगह छेद होते हैं, छेद को हमेशा ध्यान रखिए। ये गमले के नीचे एक छेद होते हैं छोटे से, इसी से जो है एक्स्ट्रा पानी, जो ज्यादा पानी होती है गमले में, ये निकल के बाहर फेंक जाती है। ये बहुत जरूरी है, अगर छेद बंद हो गया हो तो छेद को थोड़ा सा खोल, छोटा छेद है हल्का सा इसको बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद हम देखिए दो गमले, यहाँ हमारे पास गोबर की भी खाद है, गोबर की खाद इसके साथ मिला देंगे मिट्टी के साथ। और ये कुछ पत्थर कंकड़ है, सारे मिट्टी को अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमेशा गोबर खाद की प्रयोग करिए, ज्यादा से ज्यादा गोबर की खाद की प्रयोग करिए, इससे आपकी मिट्टी जो है भुरभुरा भी रहेगी और इससे आपको पोषक तत्व जो पौधे को मिलनी चाहिए वो हमेशा मिलता रहेगा। अब देखिए, ये जो छोटे छोटे पत्थर हैं इसको हम गमले नीचे डालेंगे।
और इसमें से जब हम देखेंगे कि दो पौधे तैयार हो चुके हैं, अब इसमें से दो हम अलग अलग कर लिए हैं, एक ये और एक अगर इस पौधे को हम अलग से नहीं करके लगाएंगे तो ये धीरे धीरे खराब हो जाएंगे। तो हमारे ये दो पौधे तैयार हो गए हैं, इसमें भी हम थोड़ा सा पत्थर डाल देंगे नीचे। दोनों गमले में हमने पत्थर डाल दिया है, और भी थोड़ा सा पत्थर चाहिए था तो हम साइड से ले ले रहे हैं। अब हम मिट्टी को भरेंगे, इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये सब प्रोसेस आपको साल में एक बार कम से कम करनी चाहिए बरसात के बाद, तो आपके पौधे जो है अच्छे होते चले जाएंगे। अब देखिए एक पौधा जो है इसको हम यहाँ लगा देंगे,